Sir, it's my humble request, sir. Which number? Serial number 18, sir. 18. Sir, first, it's my humble request, sir. I request the court, sir, not to mute my voice when I'm arguing, so in the interest of transparency, sir. Mister? And sir, no problem. I don't have problems. Don't make this insult. Sir, no, sir. I have a great respect and towards my institution. Why do you want that your voice and etc.? Sir, I have the great respect towards the institution. Today, institution name is getting spoiled. People are making a comments. So I want that it should be corrected. And people should know what is the fact of the case, how the people, many people are the victim of the corrupt police officers. And many people are making allegation against the corrupt police officer. Sure. Not only me. I have so not prayed, sir. We are concerned. Sir, I have not paid a bribe. We don't see the media. Yes. We don't go by yes, media. Sir. We don't go by YouTube. Sir, etc. We are least concerned. Yes, sir. Yes, sir. I don't know. I only the same thing. The facts and evidence. Of evidence, sir. In the starting stage, the court has conducted the media trial in 2016. So that should not happen today, sir. Only I mean to say, sir, that. So whatever is there from the starting, from the beginning, I am keeping the facts. That how I was roped in the case and not paying a bribe, I was being made a curse. So, from the starting onwards. So you want to argue the case? Yes, sir. Before this court. Before this court, from the day beginning, how I became the victim of the corrupt police officer. मुझे experience किया ऐसा COVID के समय में कि जब मैं file करता हूँ तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है ना तो सामने वाले से आवाज सुनाई देती है तो मैं physically appear होना चाहता हूँ और further मैं request कर रहा हूँ सर मैं एक और further request कर रहा हूँ this court से कि मुझे police protection दिया जाए मुझे कर्नाटक से इधर लेके आया जाए और मुझे सेफली वापस छोड़ा जाए क्योंकि अभी ये केस इस स्टेज में आया है ये रिवीजन है मिस्टर सर रिवीजन नहीं है सर मैंने जो परजुरी फाइल की है इसमें सर आई एम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द बिगनिंग कि कहां पुलिस ने मुझसे रिश्वत मांगी वो डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं अगर मैंने कोर्ट को अगर पुलिस को मैंने 25 लाख रुपए दे दी होती तो वो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता सर वो आपको चाहिए सर मैं पढ़ के सुनाता हूं सर हां पेज नंबर 25 सर सर प्लीज सर प्लीज आप सुन लीजिए सर क्योंकि मैं आज आया हूं सर इतनी दूर से आया हूं तो मैं कुछ तो सर बता के जाऊं कोर्ट को भी कहा था कि आपको आने की जरूरत नहीं है सर नहीं सर सर नहीं सर नहीं सर क्योंकि मेरी वॉइस सुनाई नहीं देती है अगर आपको सुन आना है देयर इज नो डिफिकल्टी कोर्ट विल नॉट रेस्ट्रेन सर नंबर वन नंबर टू इफ यू फाइल सम एप्लीकेशन सर ये एप्लीकेशन तो बहुत पहले फाइल किया है सर ये एप्लीकेशन 7 नवंबर को फाइल किया है कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था 7 नवंबर को आज है सर 5 दिसंबर अगर इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया इसकी तो ये हम आर्ग्यू कर सकते हैं सर आप ये रिप्लाई के नाम से एडजमेंट नहीं ले सकते सर वो रिप्लाई के नाम से एडजमेंट नहीं ले सकते सर इसके लिए मुकेश परवाल सर इसके लिए मुकेश परवाल को अपियर होना था कर सकते हैं सर मैं अपोज कर रहा हूँ आई एम अपोजिंग इट अपोज कर सकते हैं कि नहीं वो तो कोर्ट देखेगी हाँ सर है ना क्योंकि 7 नवंबर को फाइल किया गया है कब दिया आपने सर 7 नवंबर को मैंने फाइल की है अरे वो तो आईए का हो गया आपका हाँ सर रिज्वाइंडर भी तो दिया आपने ना सर मैं रिज्वाइंडर में बात ही नहीं कर रहा हूँ रिज्वाइंडर से मुझे अभी आज हम 340 का डिसाइड कर लेते हैं मैटर सर अरे ऐसे कौन पार्ट में नहीं सुना जाएगा सर मैटर? अभी सर एक आए सर मेरी निवेदन है सर पार्ट में नहीं सुना जाता सर कुछ तो रिलीफ दिया जाए मैं जब इधर आ रहा हूँ रिलीफ नहीं सर अगर ठीक है सर ये इन्होंने सर मुझे तकलीफ बहुत होती है रिजर्वेशन के लिए सर मैं कल आके महू गया हूँ सर मिलिट्री डिपार्टमेंट में फॉर रिजर्वेशन के लिए क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिलता है शॉर्ट पीरियड में आजकल लोग दो दो तीन तीन महीने क्योंकि यहाँ महाकाल है सर हमारे बड़े भगवान है महाकाल लोग यहाँ पर 3 महीने पहले रिजर्वेशन कर देते हैं जो मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलती है या तो मुझे यहाँ से खरगोन जाना पड़ता है खरगोन से फिर ट्रेन पकड़ो दूसरा ट्रेन पकड़ो भुसावल मैं बड़ी मुश्किल से आता हूँ सर और मैं आना चाहता हूँ फिजिकली सर तो आज सर हम आईए नंबर 17239 मेरे से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर दिस इज नॉट द वे सर यू कैन सर सुनने में अगर 7 नवंबर को जमा किया हुआ है इंटायर मैटर सर कम से कम आप कुछ तो सुन लीजिए सर आज कुछ तो फैक्ट आ जाए कोर्ट में ऐसा कौन कि सर नोटिस तो इश्यू सर नोटिस तो इश्यू हो जाए पुलिस को सर हमारे एक जस्टिस हैं विवेक अग्रवाल साहब जो एवरी नोटिस में पुलिस को बुला लेते हैं सर उनको सीधा वार्निंग दे देते हैं कि तुम्हें वो कर देंगे सर या मैं आज कुछ चीजें साबित करना चाहूंगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट एडवोकेट ने झूठ बोला है उनको इमीडिएट यहां से जेल भेज दी जानी चाहिए मैं वो साबित करना चाहता हूं इस कोर्ट के अंदर क्योंकि इसी कोर्ट में आपने बोला था एक बीओ को
कि इनको यहीं से कोर्ट जेल मिल जाए। मैं एक दो चीज साबित करूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर झूठ बोल रहा है। सर डब्ल्यूपी में इन्होंने क्या बोला पहले उन्होंने डब्ल्यूपी में मैं बता रहा हूं, उदाहरण बता रहा हूं। डब्ल्यूपी में उन्होंने 250 रुपए पेज जमा किए और बोला कि ये स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161-164 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बाद में फाइनल हियरिंग में उन्होंने बोला कि इनको एक्यूज मेमोरेंडम 27 स्टेटमेंट में बनाया गया। मेमोरेंडम 27 स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं गया सर कि क्या लिखा है उनको, क्या ये पढ़े लिखे नहीं है, हिंदी नहीं आती इनको पढ़ने के लिए कि मेमोरेंडम 27 स्टेटमेंट में क्या लिखा है। इसका मतलब जैसे यापम घोटाला हुआ था सर हमारे एमपी में, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को नौकरी से निकाल दिया गया सर। क्यों? क्योंकि उनके बदले में सॉल्वर बैठे थे, सॉल्वर बैठ के एग्जाम दिए थे। मुझे ऐसे प्रतीत होता है हमारे एसीपी जो हैं जिन्होंने एफिडेविट फाइल की है, उन्होंने बिना पढ़े बोले कि हमने इनको मेमोरेंडम 27 के स्टेटमेंट के ऊपर आरोपी बनाया गया। मेमोरेंडम 27 स्टेटमेंट एक्यूज बोलता है कि मैंने उधारी चुकाई गई है। अब उसको सर डब्ल्यूपी में रिस्पोंडेंट को नोटिस ही नहीं दिया, अगर एफिडेविट फाइल करते तो सामने आ जाता कि कोर्ट का इंपॉर्टेंट टाइम किल कर रहा है अननेसेसरी। सर मैं किल नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। आईए के रिप्लाई के लिए टाइम की प्रेयर कर चुका हूं, अननेसेसरी हो रही है। ज्वाइनर इन्होंने कल दिया वो भी देख लीजिए। और जो तरीका सर एक टाइम दीजिए इनको सर, और मेरे रिक्वेस्ट है क्योंकि अब ये स्टेज पे फाइन करना चाहिए श्रीमान सर। देखिए सर अगर मैं सच बोल रहा हूँ मुझे कंटेम्प्ट में दीजिए सर, फांसी की सजा दीजिए। मैंने पहले लास्ट हियरिंग में बोला मुझे फांसी की सजा दीजिए अगर मैं इस कोर्ट में झूठ बोल रहा हूँ। दो माइक इस कोर्ट में प्रूफ करें, चिल्ला के बात कर रहे हैं। दो दो माइक लगाए हमने इनके लिए सर। आप मैं अपोज कर रहा हूँ मेरे एडजमेंट के लिए सर। ठीक लिखिए, आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगा रहे हैं सर। सच बोलना कंटेम्प्ट हो गया सर कोर्ट में। पिटिशनर इन एप्लीकेंट इन पर्सन। सर सर एक और आदेश सर, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए उसके लिए प्रोसीजर है सर। मैं सर मेरी सर मेरी बात सुन लीजिए प्लीज सर। हाई कोर्ट में सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हर चीज का ज्यूरिसडिक्शन है सर। आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए उसकी प्रोसीजर है सर। मेरी बात टू अप्लाई अंडर दी पुलिस एक्ट पुलिस सर। मैं इसी के लिए सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये केस है पुलिस के अगेंस्ट में। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन नहीं लेंगे शायद, मेरे ऊपर दूसरा उल्टा कोई दूसरा केस लगा के झूठा केस लगा के अंदर डाल दें। मिस्टर अशोक मेरे ऊपर एनडीपीएस क्योंकि धमकी दिया गया मुझे, आपके ऊपर एनडीपीएस लगाया जाएगा। उसके लिए जाइए रिट पिटीशन लगाइए जो भी आपको करना है सर। कहाँ लगाऊं? मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में लगा देता हूँ सर, जहां भी आपको मतलब मैं वहां का रहने वाला हूँ क्योंकि इन्होंने इस पैसे का रिकवरी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग किया है सर। जो उन्होंने रिकवरी किया ना उसमें खाली उन्होंने 40% जमा किया सर, बाकी पैसे खा गए सर। मैं ये साबित करूंगा कर्नाटक हाई कोर्ट में। कई बार चले गए हैं सर। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट जा रहा हूं, अभी तक मध्य एमपी हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में था, अब मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में जा रहा हूं। आप पुलिस प्रोटेक्शन ऑडिट पिटीशन में यू आर फ्री टू गो एनीवेयर मिस्टर शो, इफ द लॉ परमिट्स यू कैन गो एनीवेयर सर। सर लिखिए पिटीशनर एप्लीकेंट इन पर्सन श्री तरुण पगारी।